नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीता बोलती हुई नजर आएगी राजवीर से कि राजवीर तुम जैसा इंसान मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तुम पे गर्व होता था लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है। अगर तुम अपना खून नहीं दे सकते तो लो मैं अपना खून काटती हूँ, आपकी अपने हाथ की नस काटती हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्रीता कुछ भी करेगी लेकिन दोस्तों राजवीर से खून दिवाकर ही रहेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय राजवीर का खून देना करण के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों राजवीर इस चीज़ से खफा है, इस चीज़ से गुस्सा है कि जो उसके साथ में, उसके फैमिली के साथ में, उसकी मम प्रीता के साथ में जो हुआ है पहले ही वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानता है कि अगर आज हम ने इतनी आफत मुक्ति है पूरी ज़िंदगी तो उसका कसूरवार कोई और नहीं है, बल्कि आप लोग जानते ही हैं कि उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करण की फैमिली ही है। क्योंकि अगर करण की फैमिली चाहती तो पूरी तरीका से आखिरकार प्रीता को, सभी सृष्टि को, सभी लोगों को सपोर्ट करती, लेकिन उन्होंने निधि को रखा था और उसी लिए सबसे ज़्यादा दुख का सामना होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय कहानी एक और भी नए लेवल पर आती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों इस समय करण को खून ज़रूर देगा, जी हाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करण को खून तो दे देगा, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी पुरानी गर्जिश को नहीं भूल पा रहा है राजवीर। राजवीर का साफ साफ मानना यह है कि मैं कैसे अपनी पुरानी चीज़ को भूल जाऊँ, जिस मकसद के साथ में निधि आई थी वो मकसद निधि का भी पूरा हो गया और करण का भी, लेकिन हम लोगों को क्या है जो हम इतनी ज़्यादा जलालत भरी ज़िंदगी हमने जी है अपनी लाइफ में। और दोस्तों ये राजवीर का मानना भी सही है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।